जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, श्री सीता जी की अवस्था का वर्णन करते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। रात दिन नाम का पहरा लगा हुआ है, ध्यान के किवाड़ बंद हैं, एवं अपने ही चरणों में नेत्रों को लगा रहना रूप ताला बंद है, इसलिए श्री सीता जी के प्राण निकल नहीं पा रहे हैं। यह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की कोरी कल्पना नहीं है। श्री राम जी के विरह में श्री सीता जी की वास्तविक अवस्था का वर्णन है। श्री भगवान ने अपने अहलादनी शक्ति के द्वारा यह आदर्श स्थापित करवाया है कि हमसे बिछड़े भक्त की यही दशा होनी चाहिए। आप भी प्रभु से बिछड़े हुए हैं, अतः आप भी इस दशा को प्राप्त करने की सुंदरतम अभिलाषा को लेकर नाम का पहरा लगा दीजिए। कंजूस के धन की तरह वाणी का संयम कीजिए, अनावश्यक बिल्कुल मत बोलिए। काम के लिए बोलते समय भी यह ध्यान रहे कि कम से कम बोलकर काम चलाया जाए और शेष समय मशीन की तरह नाम लें। आप अध्यापक हैं, आप विद्यालय जाइए, पर कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान रखिए कि जिस समय चुप रहने का अवसर हो उस समय भगवान का नाम लेने लगें। लज्जा शर्म छोड़ दीजिए, वहां के लोग ढोंगी कहेंगे अथवा प्रशंसा करेंगे, इस विचार को छोड़ दीजिए। दृढ़ता से उद्देश्य स्थिर करके प्रभु के चरणों को पकड़िए, इसी में जीवन की सार्थकता है। जिस सुंदर भाव को लेकर आप साधना में प्रवृत्त हुए हैं, जैसा सुंदर मधुर संबंध आपने प्रभु के साथ स्थापित किया है, उसे एक क्षण के लिए भी कलुषित और ढीला मत कीजिए। अब इस संबंध को निभाने के लिए जीना और मरना है। बिल्कुल निराश न होकर भगवान की ओर बढ़ चलें। सचमुच बढ़ने की इच्छा रखने वाले को प्रभु बुला लेते हैं। जगत के किसी हेर फेर से चकित होने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ होता है भगवान का रचा हुआ होता है। आपके न चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए यहाँ से अपनी दृष्टि सर्वथा मोड़ लेनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। अन्यथा इस जगत को देखकर कभी हंसना और कभी रोना पड़ेगा ही। एक और बात है, जहाँ तक हो प्रपंच के काम में कम पड़िएगा, नहीं तो भगवान गौण हो जाएंगे और प्रपंच मुख्य हो जाएगा। यही सबसे मुख्य बात है। श्री जी की कृपा हम पर है, इसका अनुभव कैसे हो, इसका उपाय आपने पूछा है। मेरी समझ में इसका सर्वोत्तम उपाय है श्री जी के चरणों का निरंतर चिंतन। मन श्री जी के चरणों में चिपक कर ही श्री जी की कृपा का अनुभव कर सकता है। अत्यंत प्रेम से राधे राधे कहते हुए श्री राधा रानी के चरणों में मन को लीन कर दें, फिर ऐसी कृपा का अनुभव होगा कि आप निहाल हो जाएंगे। संतों के वचन हैं, मालिक है साहिब सीता राम, सोच मन काहे को करे। बस निश्चिंत रहिए, एक बहुत ऊंचे महात्मा ने कहा है, अपने भविष्य को निर्मल देखो, सोचो कि प्रभु तुम्हें अवश्य मिलेंगे, चाहे तुम कितना ही अधम क्यों ना हो जाओ। हम लोग भी ऐसा ही सोचें, सचमुच अपना भविष्य मलिन सोचना भगवान की अपार दया का अपमान करना है। जीवन का उद्देश्य यदि भगवान है तो फिर किसी भी जागतिक प्रलोभन में नहीं भूलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को स्वयं प्रलोभन देकर जांचा, किंतु मुचकुंद ने भगवान की ही दया से भगवान को लिया, भोगों को नहीं। उसी प्रकार संत के साथ सर्वथा शुद्ध पारमार्थिक संबंध ही रहे।
जो व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है उसकी दृष्टि में केवल भगवान ही होते हैं, उसकी दृष्टि में केवल भगवान ही होते हैं, एवं जो कुछ भी बचा रहता है वह भगवान का ही होता है। उस अवस्था में उसके लिए मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई आदि कुछ भी नहीं रहते। किंतु जो व्यक्ति अपने आप को उससे, भगवान के समर्पित व्यक्ति से संबद्ध मानता है, वह बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भगवान को समर्पित हुई वस्तु से संबंध रखने वाली वस्तु भी स्वाभाविक भगवान को समर्पित हो जाती है और उस पर भगवान का विशेष अधिकार होता है। अवश्य यह बात तभी मालूम पड़ेगी जब कोई व्यक्ति अपने आप को हृदय से भगवान के समर्पित भक्त से जुड़ा हुआ मानता है। देखो भैया, खूब नाम लीजिए तथा भगवान की कृपा का दर्शन प्रत्येक परिस्थिति में कीजिए। भगवत कृपा एवं नाम जप का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाइए। आप चाहें तो निश्चिंत हो सकते हैं, आपके चाहने भर की देर है। आपने चाहा तो नाम के रूप में भगवान बिना किसी परिश्रम के ही जीभ पर नाचने लगेंगे, उनकी कृपा का प्रवाह बह जाएगा, स्वयं निहाल हो जाएंगे और बहुतों को निहाल करेंगे। नाम अधिक से अधिक जपिए, इतनी प्रार्थना है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, लेकिन परीक्षा भी अवश्य करते हैं, साथ ही उनके दरबार से कोई निराश लौटता नहीं, यह बात भी भूलनी नहीं चाहिए। खूब मौज से श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन कीजिए, सब काम एक तरफ और भगवान का चिंतन एक तरफ। मन से निश्चय करके चिंतन की चेष्टा कीजिए, तब चिंतन में सफलता मिलेगी। अन्यथा जब तक भगवान के चिंतन के समान कोई भी दूसरा काम लाभकारी दिखेगा, तब तक मन भगवान को छोड़कर उस काम की ओर ही झुकेगा, क्योंकि अनादि काल से अन्य अन्य विषयों में ही मन को स्वाद मिलता रहा है। भगवत चिंतन का स्वाद उसे ठीक से कभी नहीं मिला, मिला होता तो भगवत चिंतन के सिवा दूसरा काम मन से होता ही नहीं, मन से होता ही नहीं। सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि श्री प्रिया प्रियतम की स्मृति कितनी होती है। यदि स्मृति बढ़ रही है तो रास्ता ठीक है, किंतु यदि इसमें कमी आ रही है तो आप रास्ता भूल गए हैं, यह निश्चिंत बात है। आप इस कसौटी पर कसकर ही जीवन का सावधानी से सुधार करना चाहिए, जीवन का सावधानी से सुधार करना चाहिए। मरने से पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस युग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान के नाम का जप, और कोई भी साधन बड़ा कठिन है। कंजूस के धन की तरह एक क्षण भी व्यर्थ मत खोइए, निरंतर नाम लीजिए, निरंतर नाम लीजिए। जय श्री राधे।